Hey, what's up guys, वेलकम बैक टू अनादर वीडियो। आज मैं बनाने जा रहा हूँ दो नए आयरन फार्म, जिस वजह से मुझे आगे कभी भी आयरन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बार बार खदानों में नहीं जाना पड़ेगा और ये काम फट 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 होता रहेगा। ये तो चलो भाई, लेकिन यार उससे पहले एक बात बता देता हूँ कि भाई यहाँ पे ना मेरे साथ एक हादसा हो गया। मैं जब इससे पहले रिकॉर्ड कर रहा था तो वो रिकॉर्डिंग हो रही थी, हो ही नहीं। मतलब क्या है, ये जो मैंने वीट फार्म तोड़ा और उन विलेजेस को ब्रीड कराया वो सब ना रिकॉर्ड ही नहीं हुआ भाई, पता नहीं क्यों। तो मैं अभी एक बार वापस से बता देता हूँ कि जस्टिफाई कर देता हूँ कि यहाँ पे मैंने ये वीट फार्म को तोड़ा है और आज दो आयरन फार्म बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करी है। एंड यस, तो एक और दो ऐसे आयरन, अबे क्या कर रहा हूँ यार मैं, ब्रा नेवर माइंड। तो उस वीट से अब हमने इन सबको मतलब ब्रेड बना के विलेजर्स को ब्रीड करा। अरे यार, अबे जाना रॉटन प्लेस। तो यहाँ पे अब मैंने उस ब्रेड से, देखो भाई कितने सारे विलेजर्स हैं, सबका काम हो चुका है बढ़िया से एकदम फट 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 फट। और अभी हम इन विलेजर्स को आयरन फार्म में यूज़ करेंगे जैसे कि ज़रूरत पड़ती है। तो चलो भाई, वेट किसका कर रहा है। अरे यार ये कितना परेशान कर रहा है भाई, नेवर माइंड। तो अब मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि भाई अपने फर्स्ट फार्म में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैंने रख रखे हैं अपनी इस एक शल्कर बॉक्स में। ये देख लो भाई, ये सारा सामान है जिसकी मेरे को आज ज़रूरत पड़ने वाली है अपने उस फार्म, पहले फार्म को बनाने के लिए। तो चलो भाई, और जो लोकेशन मैंने सिलेक्ट करी है वो है अपने घर के बैकयार्ड की, क्यों मुझे लगता है कि आयरन फार्म तभी काम करता है जब आप उसे अपने घर अपने आसपास से रखते हो। तो मैंने पीछे वाले एरिया को बनाया है, एंड अगर मुझे जैसे और आयरन फार्म बनाऊंगा या कोई फार्म बनाऊंगा तो मैं इस एरिया को और एक्सटेंड करता रहूंगा, जिस वजह से क्या है कि और दिक्कतें नहीं पड़ेगी और वो फार्म्स जो है वो ढंग से काम करते रहेंगे। तो चलो भाई, क्या बेच सकते हैं, तैयार करते हैं फटाक से। यहाँ पे आप इसका देख सकते हो, पूरा जो अंदर ग्राउंड है एरिया वो तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे मैं बस ये चेम्बर बना रहा था कि जहाँ से मैं जॉम्बी को अंदर ला सकूँ, और तुम मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दो, जॉम्बी तो बाद में आएगा, सबसे पहले मैं विलेजर्स को ले आता हूँ। ये देखो भाई, 2 मिनट भी नहीं मांगूंगा, बस एक एक चुटकी बजा के, जैसे 1 2 3, और देख सकते हो भाई सारे विलेजर्स अपनी जगह आ गए हैं। ये और इनको लाने में मुझे बस 2 घंटे क्या, ऐसे 15-20। अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं भाई, यार मेरे को नहीं पता है कैसे लगाते हैं भाई, आर यू सीरियस। इसको भी पड़ी, ये भगवान। अबे भाई भागे मत भागे मत भाई, भाई बहुत मेहनत से लाए यार, मैं वापस नहीं जा सकता वहाँ पे यार, ऐसा मत करो यार, जा ना नीचे यार, सो जा भाई सो जा, कुछ नहीं कर रहा मैं, गलती हो गई, माफ़ कर दे। तो इन वेजेस को लाने में मुझे ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट लगे, बट कोई बात नहीं है, वो जो सिस्टम है वो सब हैंग होने वाला नहीं है। अब अपना बेसिक एक जो मेन काम होता है वो कंप्लीट हो चुका है, अब मैं इसके आगे की तैयारी करता हूँ ताकि मुझे आगे और फटाक फटाक जल्दी से एक फार्म बनाना है, और अभी अपने जॉम्बी भैया को भी लाना है। और यहाँ पे इस विलेजर को हटाओ यहाँ पे, पता नहीं कहाँ से आ गए। ये वाला सिस्टम बनाते टाइम थोड़ी सी गलती हो जाती है, बट मैं उसे टाइम के साथ वापस सही कर लेता हूँ। मुझे लगा ये 3 ब्लॉक का है, बट ये बाद में 2 ब्लॉक का मुझे वापस से तोड़ ताड़ के पूरा का पूरा करना पड़ता है, सो डोंट माइंड दैट प्लीज़। ये
वाला सिस्टम बनाते टाइम थोड़ी सी गलती हो जाती है, बट मैं उसे टाइम के साथ वापस सही कर लेता हूँ। मुझे लगा ये 3 ब्लॉक का है, बट ये बाद में 2 ब्लॉक का मुझे वापस से तोड़ ताड़ के पूरा का पूरा करना पड़ता है, तो डोंट माइंड दैट प्लीज। अब यहाँ पे डालना है लावा, जिसमें चलेगा हमारा आयरन भैया, ये चुप। और अब डालना है पानी, ये बराबर होना चाहिए था, इसमें बार बार से चेक करा था जिस वीडियो से मैंने उठाया, एंड यस आई गेस इट वर्क। वो जो उधर तो लो भाई, अब अपने यहाँ पूरा फार्म तैयार हो चुका है, बस यहाँ पे एक बार ये बोट मैं वापस से प्लेस कर देता हूँ, ताकि मैं अब अपने उस फलाने नूबड़े से जॉम्बी को ला सकूँ और उसको बिठा सकूँ। बट यार बोट प्लेस करने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, पता नहीं क्यों यार, मतलब वो जैसे ना उसने उस भाई ने ऐसे टेढ़ा प्लेस कर दिया था, मतलब टेढ़ा क्या ऐसे वो हॉरिजॉन्टल में प्लेस कर दिया था, बट वो मेरे से नहीं हो पा रहा था, पता नहीं क्यों। नेवर माइंड, अब बारी है भैया उस जॉम्बी भाई को लाने की, तो फटाक से उसको भी 2 मिनट में लाते हैं। एंड यस, लेकिन उससे पहले भाई एक नेम टैग बनाते हैं जिसमें हम उस गधे को नाम देंगे, क्या नाम देंगे, नूब। ये भाई वो नूबी है भाई, उसको पड़े रहने दो भाई, परेशान करते रहते हैं भाई बिना फालतू के। चलो भाई अब जॉम्बी को उठा के लाते हैं फटाक से। Why are you running? भाई कसम से बता रहा हूँ, किसी ज़ॉम्बी को लाने में ना इतना माथा खराब नहीं हुआ, इतना माथा खराब, मतलब इसने इतना मारा है, इतना परेशान करा है ना सिर्फ एक नेम टैग लगाने में और इसे यहाँ बंद करने में भाई। बट थैंक गॉड कि अब जो मैं लाइक ट्राई करने जा रहा हूँ ना भाई, ये बस काम कर जाए भैया, मेरे को और कुछ ही नहीं चाहिए। तो चलो भाई अब इसका ट्रायल टाइम पीरियड आ गया है, तो फटाक से अब हम इसे ट्राई करने चलते हैं। एंड as per my expectations भाई, thank God, ये क्या है ईजी बिल्ड्स रहते हैं ना, एक बार में काम कर जाते, तो भाई पहला अपना आयरन फार्म बिल्कुल ढंग के तरीके से accomplish हो चुका है। अब हम जाएंगे दूसरे आयरन फार्म की तैयारी में। यहाँ पे मैं धीरे धीरे कर लेता हूँ सारा सामान इकट्ठा, ताकि अब हम दूसरा आयरन फार्म बना सकें। और चलो भाई अब उसके जस्ट बगल में मैं अपना दूसरा आयरन फार्म बना देता हूँ, क्योंकि भाई ज़्यादा स्पेस घेरने की ना कोई ज़रूरत नहीं है, तो फटाक फटाक काम भी हो जाएगा और ज़्यादा माथा पच्ची भी नहीं होगी ऐसा मुझे लगता है, लेकिन अभी आगे देखना वीडियो में क्या क्या होता है भाई।
कहाँ आ रही थी भाई, 30 नीचे गड्ढा खोदने की, और मुझे याद आता है कि यहाँ पे तो भाई नीचे बहुत बड़े गेम है। अब पहले तो मुझे आइडिया लगाना था कि भाई कहाँ तक मरेगी कहाँ से कहाँ तक नहीं मरेगी। उसके बाद भाई से जो भरना पड़ा है भाई, माथा खराब हो गया। इतनी परेशानी ना जिंदगी में आज तक नहीं झेली होगी। इतनी बार ऊपर नीचे हो, इतनी बार ऊपर नीचे हो, जितना तो स्टॉक मार्केट शायद एक दिन में ऊपर नीचे ही होता होगा। मतलब इस एक आयरन फार्म को बनाने में मुझे पता नहीं कितने घंटे लगे, मतलब इतने घंटे की सरदर्द हो गया। फाइनली अब इसका जो मेन कोर था वो तैयार हो चुका था। अब बारी थी यहाँ का चेम्बर बनाने की, जहाँ पे मुझे आयरन गोलम्स आके गिरेंगे एंड हम उनको जला के आयरन इकट्ठा करेंगे। ये द बेस्ट एवर स्ट्रैटेजी हुई 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 हुई। और यहाँ से भाई देखो ये रास्ता है ताकि मैं ऊपर जा सकूँ वापस से, ये मुझे किसी ने नहीं बताया था, ठीक है? सो नेवर माइंड दैट एंड इन्जॉय। सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज, सब्सक्राइब इज वेरी इंपॉर्टेंट यू नो। अब यहाँ से बारी आती है भाई इस गेम के सबसे माथा खराब पार्ट की। मुझे दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच, छह नहीं, बल्कि पूरे 12 विलेजर्स लाने थे। 12 विलेजर्स यहाँ पे सिर्फ चेम्बर्स बनाने के बाद। तो भाई मैंने इसको इतना कट शॉर्ट करा है भाई, 2 घंटे मुझे अलग से लगे सिर्फ विलेजर्स को लाने में। तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ता हूँ, कोई मुझसे कुछ मत पूछना कि भाई मैं विलेजर्स को कैसे लाया, चीटिंग करी। भाई चीटिंग नहीं करी है भाई, 2 घंटे मैंने जो व्यर्थ करे हैं ना अपने भाई इसके पीछे, मैं बता नहीं सकता भाई। इतना हेडेक लाइफ में ना कभी नहीं हुआ होगा जितना इन विले एक एक विलेजर को लाने में लगता है, ठीक है? तो बस मैं उनको कैसे ना कैसे करके लाया। देखो भाई मुझे नहीं पता था कि विलेजर्स को लाने की इजी ट्रिक क्या होती है क्या नहीं होती, ठीक है? तो बस यहाँ पहले मैं पहला चैम्बर बनाता हूँ, दूसरा बनाता हूँ, तीन चार सारे एक साथ बना के अब मैं सीधा तो मैं वहीं मिलता हूँ जहाँ पे भाई अपना मैंने डायरेक्ट पूरा का पूरा सेटअप कर लिया है, पूरा का पूरा चेम्बर एंड ऑल बना दिया। पर अब ये चेम्बर्स बनने के बाद पूरे जॉम्बीज लाने पड़े विलेजर्स के साथ, के बाद उनको नेम टैग देना पड़ा। तो इन सब में पूरे 2 घंटे लगे हैं। सो प्लीज़ मुझसे कोई कुछ मत पूछना, बहुत हेडेक हुआ है, बस मैं ले आया कैसे ना कैसे करके। एंड अब ये मैं होप करता हूँ कि ये ढंग से फार्म काम कर जाए। चारों मैं इस फार्म की टेस्टिंग पे, सो लेट्स सी कि भाई ये काम करता है कि नहीं। हाँ भाई ये पता नहीं, ये बावड़ा यहाँ का स्पॉन हो गया, अभी अभी से मारा, लेकिन फिर भी भाई ये नमूने कहीं भी स्पॉन हो जाते हैं। पहले जब इसकी ज़रूरत होती थी ना, जब मेरे एडवांसमेंट्स हटते नहीं थे तो भाई ये काम आता था, लेकिन अब आता ही नहीं है, दिमाग खराब हो गया मेरे देख के। लेकिन क्या कर, और ये तो सबसे बड़ा वो है, क्या कहते हैं उसे, बिल्ट है। तो भाई इसमें तो बिना गलती के मेरे से कुछ हो जाए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो चलो भाई अब लड़ते हैं इन आयरन गोलम से जब तक ये ढंग से ठीक नहीं हो जाता। भाई इस जितने भी आयरन गोलम से सबको मुझे मारना पड़ा एक एक करके, एक एक करके।
ताकि यहाँ पे पहले जगह खाली हो एंड फिर अब मैं इसको बस वापस से फ्लैट एंड लैंड कर सकूँ जहाँ पे नॉन स्पॉनेबल पूरा प्लेटफॉर्म रहे और कोई ना कोई कोई भी गदर स्पॉन आसपास ना हो। यहाँ पे मुझे अपने शवल का लाइक क्रिएटिव में जाना पड़ता है क्योंकि मुझे अपने शवल का डर है भाई वो टूट जाएगी। और पता नहीं क्यों मैं गया, मेरी बेवकूफ़ी थी, ये कंपनसेट मैं कर दूंगा कैसे ना कैसे बाद में। मुझे बता देना कैसे कर रहे हैं तुम अपना तरीका कोई सा भी, तो वो अपन देख लेंगे बाद में मैनेज कर लेंगे। लेकिन अभी बस ये ख़त्म होने के बाद मैं वापस से जब सर्वाइवल में आ जाऊँगा वो ख़त्म करने का, तो मैं तुमसे मिलता हूँ सीधा। ओके एज़ यू कैन सी मैं सराइवल पे आ चुका हूँ एंड अब वापस से इस फार्म का एक बार और टेस्ट करते हैं आई गेस। नहीं और कुछ काम तो बचा है नहीं, सो यस अब सीधा ऊपर चलते हैं भगते हुए और इस फार्म को टेस्ट कर लेते हैं। भाई दुख होता है फिर से जान के कि नहीं भाई अभी भी इस फार्म में गलतियां हैं, अभी मुझे वापस से वो सारी जो लैंड है उसको फ्लैटन करना पड़ेगा। एंड यस आयरन गोलम जो है वो साइड साइड में स्पॉन होते जा रहे हैं, तो मुझे वापस से जाके उस सबको ठीक करना है ताकि यस एक काम भाई इतनी मेहनत करी है भाई इसको वर्केबल बनाना ही है भाई, कुछ भी करके मुझे बस इसे वर्केबल बनाना है। तो चलो भाई वापस से मुझे 2 मिनट दो यार, 2 मिनट में मैं ऐसा फटाक से कर देता हूँ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, बहुत मेहनत कर रही है, बहुत ज़्यादा ही मेहनत कर रही है एक्चुअली, तो उसका इतना डिज़र्व तो मैं भी करता ही हूँ। तो प्लीज़ उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करके आगे ऐसे फॉरवर्ड करो, शेयर करो, जो करना है करो भाई, लेकिन इस मेहनत के लिए आगे बढ़ा दो बस चैनल को। ये देखो भाई अपना साइड वाला फार्म तो सही से काम कर रहा है, इतना पता मुझे चल गया। अब मैं एक बार वापस इसे ट्राई कर लेता हूँ। लेकिन यार पता है बीच में क्या बेवकूफ़ी हुई, क्या वो साइड में एक आयरन गोलम स्पॉन हो गया और मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने कैस्केड नहीं पहनी है। तो अब देखो भाई उससे क्या हश्र होता है मेरा। करे हुई बेवकूफ़ी के लिए 1 लाख ज़रूर बनता है भाई, 1 लाख तो इतना डिजर्व करता हूँ भाई ऐसी बेवकूफ़ी करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत प्रोफेशनल प्लेयर हूँ ना, क्या करूँ। तो मैं फट से जाता हूँ, अपना सारा सामान इकट्ठा करता हूँ, सारे गोलों को मारता हूँ, वापस से टेस्टिंग वाली जगह पर यानी अपने घर के ऊपर खड़ा हो जाता हूँ। पता चलता रहे कि हाँ भाई काम कर रहा है ना। प्लीज़ बीच बीच में और भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती है, जैसे एक और जगह होती है जो मेरे घर के सामने होती है उसको मैं सही करता हूँ, आसपास के थोड़े से एरिया को सही साइकिल से करता हूँ। एंड यस अब फाइनली शायद मेरा ये फार्म सही से काम कर जाना चाहिए भाई बिना किसी इशू के। दर वाले को भी देख के लगता है कि हाँ ये बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है। और दूसरे वाले में चलो भाई नीचे जाकर चेक कर लेते हैं कि भाई वो काम कर रहा है कि नहीं। जो भी आयरन गोलम आएगा ना उसको तो मैं मार के ही रहूँगा भाई, मार के ही रहूँगा भाई, सर दर्द हो गया भाई आयरन गोलम बनाते हुए, एक आयरन गोलम को तो मैं मारूंगा ही मारूंगा। चलो भाई उसको टपका के आते हैं और फिर इस वीडियो की एंडिंग करते हैं थोड़ी सी देर में।
तो भाई अब बाहर निकल के सीधा यही काम करते हैं कि वीडियो के एंडिंग पॉइंट देते हैं, एंड उसके अलावा मैं ये भी कर लेता हूँ कि अपना एक सरप्राइजिंग फार्म जो मैं अगली वीडियो में बनाऊँगा उसके लिए ये वाला जो पोर्शन है मैंने थोड़ा सा खाली कर देता, मैं थोड़ा सा और खाली कर देता हूँ फटाक से सेकेंड भर में ही, ताकि किसी को ज़्यादा वेट ना करना पड़े। एंड यस भाई, अब यहाँ पे लैंड खाली हो चुकी है और सरप्राइजिंग फार्म के लिए मुझे नहीं पता क्या बनाऊँगा। तो सी यू गाइस, हैव अ ग्रेट टाइम, सी यू एट द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। अगला वीडियो जल्दी से आएगा। चैनल क्या बोल रहे हो, चैनल भाई कितने चैनल बनाऊंगा मैं। सो हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय बाय। खत्म।